हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अपडेट है। साथियों, हमारा ये जीके एमसीक्यू विद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। आज 17 मार्च 2020 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। यदि डेली करंट अफेयर्स के लिए आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ ही साथ यदि आप अनअकैडमी ऐप पर विवेक कुमार के नाम से सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये फ़ोटो दिखाई देगी, जिसे भी आप फॉलो कर सकते हैं और राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 मार्च को, ऑप्शन बी 14 मार्च को, ऑप्शन सी 15 मार्च को और ऑप्शन डी 16 मार्च को। इसका राइट आंसर है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 15 मार्च। साथियों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है इसका मुख्य उद्देश्य उभयलिंगी या ग्राहकों को उनकी शर्तों के लिए बनाए रखा गया है। गया उपभोक्ता संरक्षण अधिग्रहित और उसके अंतर्गत आने वाले कानूनों की शर्त देना है। इसके अलावा उपभोक्ता अधिकारों को व्यापक रूप से मतलब है कि प्रत्येक उपभोक्ता को वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, सामर्थ्य, मात्रा, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी रखने का अधिकार है। इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की जो थीम थी, यानी कि 2020 में जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या रही है, द सस्टेनेबल कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या टू, भारत में हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 मार्च को, ऑप्शन बी 14 मार्च को, ऑप्शन सी 15 मार्च को, ऑप्शन डी 16 मार्च को। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 16 मार्च को। जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है उसके मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी लोगों को पोलियो से बचाव के लिए जागरूक करना और इसे पूरी तरह दुनिया से मिटाना है। वर्ष 1995 में भारत में पोलियो के खिलाफ एक ओरल वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी और भारत 1995 से पल्स पोलियो कार्यक्रम का अवलोकन कर रहा है। लास्ट टाइम जो केस था वह 2011 में भारत में देखा गया था। उसके बाद 27 मार्च 2014 को भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 11 अन्य देशों के साथ पोलियो मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया गया था। यानी कि 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो से मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या तीन, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एथलीटों और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री के अचनाबा सनाव राइजिंग जी तैब तैगबांग CMAS और मुख्यमंत्री कलाकार सिंह गी तैगबांग CMAT योजनाएं शुरू की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री NK ब्रेन ने मुख्यमंत्री के अचनाबा सनाव राइजिंग जी तैंग बांग CMAS और CMAT दो योजनाएं शुरू की हैं, जो कि मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों यानी कि एथलीटों और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की है। CMAT योजना के तहत उन खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में से उपयुक्त रोजगार प्रदान किया जाएगा जिन्होंने चयनित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में अधिसूचित विषयों में पदक जीते हैं।
दूसरा सी मैट के विभिन्न क्षेत्रों में कलाकारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसमें एक वर्ष में 4000 कलाकारों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, यानी कि मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने यह योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री एन के ब्रेन ने एथलीटों और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, किस राज्य में पारंपरिक फसल उत्सव फूल देई मनाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तरांचल, ऑप्शन डी झारखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड में फूल देई महोत्सव मनाया जाता है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। और जो यह त्यौहार है यह सभी पहाड़ों में रहने वाले लोगों के मध्य आंतरिक संबंधों को भी दर्शाता है। इसके साथ साथ जो फूलदेई है महोत्सव है, फूलदेई उत्सव है, ये चैत्र के पहले दिन या मार्च के मध्य में मनाया जाता है। इस दिन युवा जो लड़कियां होती है अधिकांश अनुष्ठान करती है और वे सबसे उत्सुक प्रतिभागी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, किसे यस बैंक के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए महेश कृष्ण मूर्ति को, ऑप्शन बी प्रशांत कुमार को, ऑप्शन सी सुनील मेहता को, ऑप्शन डी अतुल बेड़ा को। अभी हाल ही में यस बैंक के लिए खबर सुनी कि 5 मार्च 2020 को यस बैंक को RBI और केंद्र सरकार ने अस्थायी रूप से बंद कर दिया। अस्थायी रूप से बंद कर दिया तो उसके बाद यस बैंक के प्रशासक के रूप में प्रशांत कुमार को चुना गया था और अब हाल ही में यस बैंक के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रशांत कुमार को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत कुमार। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व गैर कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता को यस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। महेश कृष्ण मूर्ति को बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में तथा अतुल बेड़ा को एक गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य के लिए चुना गया है यस बैंक की कार्यकारिणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, किसे केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए देवाशीष पांडा, ऑप्शन बी सुशांत सिंह, ऑप्शन सी अतनु चक्रवर्ती और ऑप्शन डी रमन ठाकुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देवाशीष पांडा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में चुना गया है। केंद्र सरकार ने देवाशीष पांडा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है और देवाशीष पांडा वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। देवाशीष जो पांडा है उनका नामांकन 11 मार्च 2020 से अगला आदेश जब तक आएगा तब तक के लिए प्रभावी है और RBI में दो सरकार नामित निदेशक होते हैं जिनमें पहले हैं देवाशीष पांडा जिन्हें अभी नामित किया गया और दूसरे अतनु चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्नलिखित में से किसने दुनिया भर में COVID-19 के प्रसार को ट्रैक करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गूगल इंडिया, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन सी फेसबुक ने और ऑप्शन डी मोजिला फायरफॉक्स ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो कि कोविड यानी कि कोरोना वायरस के प्रसार को ट्रैक करने के लिए किया गया है। इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को ट्रैक करना। यह जो वेब पोर्टल है वह माइक्रोसॉफ्ट की बिग टीम ने लॉन्च किया है और इसके लिए जो वेबसाइट का लिंक दिया गया है वह लिंक है bing.com/covid और यह प्रत्येक देश के लिए संक्रमण के आंकड़े प्रदान कराता है। यह राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इसके अलावा WHO की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े प्रदान कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, वुमेन ऑन बोर्ड 2020 के अध्ययन के अनुसार भारत को दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन बी 12वां और ऑप्शन डी 13वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 12वां।
स्थान वुमेन ऑन बोर्ड 2020 के अध्ययन के अनुसार भारत को मिला है। वुमेन ऑन बोर्ड एक अध्ययन वैश्विक भर्ती निविदा प्लेटफॉर्म माई हायरिंग क्लब और सरकारी नौकरी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। जो यह अध्ययन है वैश्विक स्तर पर कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की उपस्थिति पर आधारित था कि किसी कंपनी में कितनी महिलाएं वर्किंग है वर्क कर रही हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, उनके की उपस्थिति के आधार पर यह किया गया था वुमेन ऑन बोर्ड 2020। इस अध्ययन के लिए 36 देशों की 7,824 सूचीबद्ध कंपनियों पर विचार किया गया था। इसमें से 36 देशों में भारत की थी 628 सूचीबद्ध कंपनियां और उनमें 55% कंपनियां महिला निदेशकों की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया अधिसूचना के अनुसार सहकारी बैंकों यूसीबी के लिए एकल उधारकर्ता को ऋण देने की सीमा क्या है? ऑप्शन ए 13%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 17%, ऑप्शन डी 19%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15%। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों की एक्सपोजर सीमा में संशोधन किया है। यह संशोधन करके शहरी सहकारी बैंकों के लिए एकल उधारकर्ता को ऋण देने की सीमा 15% की गई है। पहले आरबीआई ने अपने पूंजीगत फंड का 15% एकल उधारकर्ताओं को, 40% उधारकर्ताओं के समूह को देने की अनुमति दी है तथा बचा हुआ 25% उधारकर्ताओं के समूह के लिए इस सीमा को फंड के रूप में संशोधित किया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान इसके लिए तेल बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित करेगा तथा वैकल्पिक ईंधन और ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। इसके अलावा इस नीति द्वारा गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री, स्टॉर्च युक्त सामग्री आदि से एथेनॉल उत्पादन किया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का करंट अफेयर्स जीके। और यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक जरूर करें और इसके साथ ही साथ आपका अच्छा बुरा जो भी कमेंट है वह कमेंट करें। हमारे वीडियोज को और हमारे YouTube चैनल को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करें, YouTube चैनल UV Competitions को सब्सक्राइब करें और इसके साथ Unacademy Instagram और Facebook पर भी हमें फॉलो करें। इस वीडियो का PDF डाउनलोड कीजिए, PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।